बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. दिस इज द सॉलिटरी रीपर पोम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ योर टेक्स्ट बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 8. आज हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने के बाद बढ़ रहे हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वीडियो में एंड तक तसल्ली से देखिएगा. हाथों में पेंसिल्स ले लीजिए और नोट डाउन करते जाइए, ठीक है? ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर पार्ट ए में कहा जा रहा है, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलनकॉली स्ट्रेन. वर्स नंबर 1 के अंदर हमारे पास ये स्टेंसा मौजूद है, जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, वो अकेले जो है वो काट भी रही है और उनको बांध भी रही है ग्रेन्स को, जो वहाँ पर अनाज वगैरह है. एंड सिंग्स अ मेलनकॉली स्ट्रेन, और एक बहुत अफसुरदा सा गाना गा रही है, ठीक है? ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही. अब इससे रिलेटेड हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं. पार्ट 1, हु इज द पोएट एड्रेसिंग एट दिस पॉइंट. तो यहां पर पोएट किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हर एक उस बंदे को एड्रेस कर रहे हैं जो है वहां से गुजरने वाला है, ठीक है? यानी कि जो राहगीर होते हैं, राह चलने वाले, वहां उनसे बात कर रहे हैं, एक अनजान, आप कहने चाहिए अनजान जगह पर अनजान लोगों से, ठीक है? हु इज शी एंड वेयर इज शी. अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो कौन है? तो शी इज अ रीपर इन द फील्ड कटिंग एंड बाइंडिंग ग्रेन्स. हर सी बात हमें यहां बता दिया कि वो कट कर रही है और ग्रेन्स को बाइंड कर रही है, तो वो एक लड़की है और ये काम कर रही है. व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डिड शी हैव ऑन द पोएट, और इसका पोएट के ऊपर क्या असर हो रहा है वो जो गाना गा रही है. तो हर सिंगिंग डीपली अफेक्टेड द पोएट, हर सॉन्ग वॉज रिमेम्बर्ड बाय हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उसने क्या किया, एवरलास्टिंग इफेक्ट डाल दिया, इतना ज्यादा जो है असर हुआ पोएट के ऊपर कि उन्होंने पूरी इसके ऊपर नज़म लिख डाली. व्हाट डज मेलनकॉली स्ट्रेन मीन. अब यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है, फ्रेज, इसके मीनिंग आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है सैड सॉन्ग. एंड विच अदर सिनोनिमस फ्रेज डज द पोएट यूज लेटर इन द पोम, और इस तरह के मजीद कौन कौन से फ्रेजेस पोएट ने यूज किए हैं. तो मेलनकॉली स्ट्रेन से जो हमारे पास रिलेटेड सिनोनिमस फ्रेज है स्टूडेंट्स, वो है प्लेंटिव नंबर्स, और यही जो है वो पोएट ने यहाँ पर पोम के अंदर आप देखेंगे प्रॉब्ली 3rd वर्स के अंदर यूज किया है. चारों आंसर्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं. वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, ठीक है? ये भी एक वर्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सेज प्रायर टू दिस, यानी कि इस स्टेंजा से पहले विच बर्ड्स सॉन्ग इज द रीपर सॉन्ग कंपेयर्ड टू. तो यहां पर कुकू बर्ड की बात की है, उससे पहले किसकी बात की होगी, नाइटिंगेल की, क्योंकि इन्हीं दोनों बर्ड्स की पोएट ने इस पोम के अंदर बात की है. Where might the cuckoo bird be heard? Cuckoo bird और कहाँ पर जाकर सुना जा सकता है, तो students हम उनको जो है वो यहाँ पर poet ने बताया ना कि farthest Hebrides के अंदर उनको सुना जा सकता है. और part 3, what might this thrilling voice do there? और ये जो thrilling voice है जिसके अंदर काफ़ी energy है, तो ये वो वहाँ पर क्या effect डालती है, तो हम कह सकते हैं this thrilling voice will break the silence of the seas there. ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टेंजा हमारे पास जो वर्ड्स नंबर 2 है इसके अंदर मौजूद हैं ये सारी चीज़ें. तो हम यहीं पर ये लिख देंगे कि पार्ट 1 का आंसर तो नाइटिंगेल था, और जो कुछ पोएट ने हमें बताया हमने वही लिख दिया. लास्ट पार्ट के अंदर हमने लिख दिया दिस थ्रिलिंग वॉइस विल ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सीज देयर, ठीक है? यहाँ पर हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी समरी करेंगे. तो वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.